हां जी दोस्तों, द फैक्टेई में आपका स्वागत है। मैं हूं एकता अरोड़ा। तो आज हम पहुंचे हैं सच की आवाज को लेके कि आखिर जानते हैं क्या है सच डेरा का। डेरा के अनुयायी जो कि वहां पे रह चुके हैं और लगातार वहां डेरा में आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है बाबा राम रहीम के बारे में और डेरा के बारे में। सर, आपका नाम? ईश्वर पाल। हाँ जी ईश्वर सर, हमें ये बताएं कि आप डेरा से जुड़े हुए हो, कब से जुड़े हुए हो? मुझे 18-20 साल हो गए हैं डेरा से जुड़े हुए। तो आज जैसे बाबा राम रहीम सिंह जी नहीं है डेरा में, इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ा है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? इस पे समाज का हर क्षेत्र में जी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि बाबा जी ने ये रोक रखा था। आज बाबा जी हमारे बीच में नहीं है तो लोग बाग सब इसे भ्रष्टाचार में, नशे में, इसमें बंधे हुए हैं और ज्यादा हो रहे हैं। तो इनका कहना है कि बाबा राम रहीम जी के ना होने से भ्रष्टाचार रेगुलर बढ़ रहा है। और भी कुछ बहुत सारे जो मीडिया ने क्वेश्चन उठाए थे कि यहाँ पे जो लड़कियाँ जो आपकी बेटियाँ वो अनसेफ है, क्या कभी आपने फील करा कि आपकी बेटियाँ बहुआ यहाँ पे आके अनसेफ फील करती हैं? हमने तो यहाँ पे ये देखा जी क्या इतना हमारे घर पे भी सेफ नहीं है जितनी कि डेरे में सेफ है जी। यहाँ पे लड़कियाँ जो बहू बेटी, लड़कियाँ, माता बहने सब ऐसी सेफ हैं जी कि हम अपने घर पे भी विश्वास नहीं करते जितने के डेरे में करते हैं जी। ये सच बात है जी, मीडिया जो दिखा रही है वो गलत बात है। तो दोस्तों, आपने सुना कि मीडिया ने जो दिखाया कि लड़कियां यहाँ पे अनसेफ फील होती थी, जो लड़कियां को यहाँ पे बहुत सारे गलत उन्होंने चीजें दिखाई है, बट इनका कहना है कि हमारी बहू बेटियां यहाँ पे आती थी, कभी भी इन्होंने या उनके साथ ऐसे कभी भी सुना नहीं है इन्होंने। ये सब मीडिया गलत झूठ दिखा रही है जी। मीडिया हमें तो एक बात बता दे जी की 133 कार्य जो भलाई के चल रहे हैं, आज तक मीडिया ने ऐसा एक भी कार्य दिखाया कि ये राम रहीम सिंह जी ने किया है? जितने भी बुरे काम है वो तो मीडिया दिखा रही है, जो नहीं है उन्हें दिखा रही है, जो सच है उसे मीडिया दिखा नहीं रही। आखिर मीडिया में ऐसा क्या लोभ है, क्या वो बना हुआ है जो मीडिया सच बात को नहीं दिखा रही और झूठ बात को दिखा रही है? ये कुर्सी का लोभ है या किसी लालच का लोभ है? ये मीडिया का काम है सबको सच बताना जी, लेकिन मीडिया झूठ बोल रही है, ये कारण क्या है ऐसा? हमें तो ये लगता है कि मीडिया बिकी हुई है, ये सिर्फ पैसे के में आंधी हो रही है, इसे देश से कोई मतलब नहीं है। तो दर्शकों, आपने सुना कि इनका कहना है कि मीडिया ने जो भी दिखाया डेरा के बारे में वो सरासर झूठ था। आखिर मीडिया ऐसा क्यों कर रही है, ये हमारा क्वेश्चन पूरी जनता से उठता है, आखिर मीडिया ने ये सब क्यों करा? आप अपने विचार भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।